प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगे इस लॉकडाउन के बाद सभी अपने घरों में कैद हैं और इस महामारी से बचाव के लिए प्रयासरत हैं कि कहीं हम इस बीमारी की चपेट में ना जाएं, इसलिए कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना काल में लोगों की जरूरतों का ख्याल रखने इस भीषण गर्मी में पसीना बहा रहे हैं और कोरोना से दो दो हाथ करते हुए लोगों की जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं, जिससे लोग घर से ना निकले और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में सबसे अहम लोगों के लिए पैसा ही है, जिससे लोग मिली छूट के समय में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, लेकिन बैंक में जमा इन पैसों को एटीएम के माध्यम से ही वर्तमान परिस्थितियों में निकाला जा सकता है। ऐसे में लोगों को पैसे की कमी से जूझना न पड़े, इसका ध्यान रखते हुए एटीएम में पर्याप्त पैसों का स्टॉक रखा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये पैसे जिन्हें हम सरलता से निकाल रहे हैं उन्हें हम तक कैसे पहुँचाया जा रहा है? हमारे रिपोर्टर रविराज रजक जब समाचार संकलन के लिए निकले तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कंपनी के लोगों से हुई जो लोग इस लॉकडाउन में लगातार कार्य कर रहे हैं। जब रवि रजक ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सुबह से खाली पेट निकलने के बाद 600 किलोमीटर के सफर के बाद हमें एक ढाबा मिला, लेकिन वहाँ भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला। एक देखरेख कर रहे वहाँ के कर्मचारी से काफी मिन्नतें करने पर हमें वह बस चाय ही दे पाया। पैसे का परिवहन करने वाली सीएमएस के कर्मचारी ने बताया कि वर्तमान समय में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के साथ ही हमें भूखे प्यासे भी अपने गंतव्य तक का सफर तय करना पड़ रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट गए तो लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी जान की परवाह किए बगैर हम यह कार्य करते रहेंगे। लेकिन अब क्या करें, जो आदेश होता है तो हम लोग पालन करते हैं। इस कोरोना काल में कंटिन्यू हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा है, पिछले साल से दो महीने से। शहडोल, बुढ़ा, अरनपुर, माने पिंडरा, गोरेला, चारों तरफ से हम लोग उठाते हैं। ये HDFC बैंक की परेशानी हो गई, इसीलिए सर जी अब हम लोग भी नहीं बैठे रहते हैं, सबका समस्या समाधान होगा। आपका नाम बताइए। राम सागर पांडे। मूल आवश्यकताएं हैं पैसे लोगों की, दिन प्रतिदिन हर दिन आवश्यकताएं हैं, तो अब लोगों की सेवा के लिए परेशानी तो उनसे उठानी पड़ती है। सर हम पूरी MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कैश की आवश्यकताएं होती है वहां जाके कैश की सप्लाई करते हैं। क्या सर टिफिन, ढाबा, अगर ढाबा खुली मिल जाती है? अभी नहीं मिल रही सर, बहुत जैसे है कि यही रेयर मिली है चाय पीने के लिए सवेरे से 800 किलोमीटर के बाद। सवेरे हम 7 बजे का निकले हैं। हम जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई गाइडलाइंस का पालन करें। हम बाहर रहकर सेवाएं दे रहे हैं, आप घर में रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें। आपका पर्चा बताइए। पर्चा बताइए। दुर्गेश मणि पटेल, बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।